नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। दरअसल कल यानी रविवार की ये घटना है। खबर ये आ रही है कि कल पाकिस्तानी सेना ने करीबन एक दर्जन श्रमिकों को मौत की घाट उतार दिया और ये घटना घटी है बलूचिस्तान में। कल बलूचिस्तान में एक बार फिर से खून की होली खेली गई और करीब 11 बलोच श्रमिकों की हत्या कर दी गया और पाकिस्तानी सेना इस तरह से उन 11 श्रमिकों की जान ली है कि किसी की भी रूह कांप जाए। रविवार पाकिस्तान की बलूचिस्तान में 11 कोयला मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक काम पर जा रहे इन मजदूरों का अज्ञात बंदूकधारियों ने पहले अपहरण किया और फिर माझ इलाकों में पहाड़ियों में ले जाकर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पाकिस्तानी फौज के साथ साथ सैनिकों की बलूच विद्रोही ने जो हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही बजवा की सेना वॉकलाई हुई है और इसी के साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान की एक नेता अब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं और आज़ादी दिलाने की गुजारिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे सबसे पहले।